लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। एसडीएम सदर बुशरा बानो ने चलाया प्राइवेट बसों पर चाबुक। जी हां, चार का काटा चालान। बता दें, बताया कि क्षमता 44 और सवारियां बैठी मिली 100 से अधिक। प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के सामने वाले मार्ग का ये मामला है। फिलहाल बता दें आपको, एसडीएम सदर बुशरा बानो ने देर रात्रि शहर के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के सामने खड़ी सवारियों से भरी प्राइवेट बसों को जब थाना पुलिस के साथ चेक किया तो बसों में खुद चढ़कर सवारियां गिनना शुरू की तो दंग रह गई, क्योंकि उनके अनुसार 44 सवारियों की क्षमता थी और बसों में 100 से अधिक सवारियां भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि वैसे तो ये डग्गे मारी आदि करती रहती हैं, आज जब चेक किया तो प्राइवेट बसों के अंदर क्षमता से अधिक सवारियां पाई गईं, तो कईयों में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, इसके अलावा वाहनों की फिटनेस भी नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि क्योंकि बसों में सवारियां भरी थी, कोई गंभीर है तो किसी को जल्दी घर जाना है, सबकी अपनी अपनी समस्या थी। तो ये सब देखते हुए फिलहाल चेकिंग कर चार बसों के चालान किए, साथ ही कड़ी हिदायत भी दी, कमियां या शिकायत मिलने पर फिर अभियान चलाया जाएगा, ऐसा कहा। हालांकि एसडीएम सदर बुशरा बानो के इस कार्य की लोगों ने काफी सराहना की और उनका कहना था कि अगर वाकई बसें ओवरलोड नहीं हो तो सड़क हादसे भी कम होंगे। पूर्व में उनके द्वारा ऑटो आदि चेक कर मुर्गा बनाने की सजा आदि देकर हिदायत भी दी जा चुकी थी। फिरोजाबाद से यादव की रिपोर्ट। मैम कहाँ है? नाम बताओ अपना। ड्राइवर नाम बताओ। तू इधर ड्राइवर नाम बता। भाई पेमेंट अभी करोगे या बाद में करोगे? पूछ लेना। मुझे बस यही पेपर मिला है। भैया क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम जी, किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद किस तरीके से जा रहे हैं? 2600 रुपए इन्होंने मुझसे कहा था कि स्लीपर में आराम से उनको बिठा कर ले जाएंगे, फिर यहाँ पर ये ऐसे बैठी हैं। लगभग कितने लोग होंगे यहाँ पे? यहाँ पर कम से कम इधर से 8 लोग बैठे हैं, उधर साइड बिल्कुल। क्या क्या बोल के आपको बैठाया गया था? किस तरीके से कैसे मैनेज करके ले जाएंगे? इन लोगों ने बताया कि 4 बजे खाली हो जाएगी, फिर आप लोगों को स्लीपर में बैठे। हाँ, 4 बजे कहाँ खाली होगी? जयपुर में खाली होगी। अच्छा, जयपुर से आप फिर सेपरेट तरीके से जाएंगे? फिर हम लोग सेपरेट तरीके से जाएंगे बिल्कुल। करीब कितने बजे करीब इसमें बैठे थे आप? हम लोग ऐसे 9 बजे बैठे थे। कहाँ से बैठे थे? सुखाबाद से। सुखाबाद से एटा चौराहे से दिल्ली सीट कटती है जयपुर। और आप लोग से कितने पैसे लिए? ये बैठे हैं 250 रुपए में कर दीजिए। और ये भी नीचे ही बैठी हैं 250। अभी ये किसी की जगह पे आके बैठ गई है। नहीं, अभी सवारी चली गई। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, किसी की जगह पे आके बैठ गई है क्योंकि कोई सवारी नीचे चली गई है। वो निकल ले ना। आप लोगों से भी 250 ही लिए होंगे? इनसे 300 लिए हैं। 300 में। और ये 2 की सीट है, कितने बैठे हैं इसमें? 4 लोग बैठे हैं। उसमें एक का है। आप लोगों से पूरा टिकट लिया गया कि आधा कितना लिया गया? पूरा टिकट लिया गया और इनको ऐसे बैठा दिया। मैम जमीन पे भी लोग बाग बैठे हुए हैं, देख लीजिए आप। देखिए सारे गली 150 रुपए 200 रुपए 250 रुपए गली
कितने रुपए दिए? कहाँ से बैठे हो? कहाँ से? अंदर ही हो जाओ, अंदर हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं? बरी के नगले से। अभी तक देखा जा रहा है आपने बहुत जगह अभियान चलाए हैं। कल टेम्पो वालों को मुर्गा बनाया गया था, आज बसें आपने बसों को किया है, किस तरीके से क्या मामला है पूरा? एक्चुअली ये मोस्टली ये डग्गामारी करती हैं बसें, प्राइवेट बसें हैं, और इसमें ये इनकी सीटिंग कैपेसिटी या तो 44 होती है या कुछ स्लीपर की बढ़ा दी जाती है, लेकिन ये 100 से 125 तक पैसेंजर ले जाती हैं 44 की जगह पे। और इसके अलावा इनके जो डॉक्यूमेंट, कहीं फिटनेस इनकी पूरी नहीं है, कहीं पे इनका इंश्योरेंस आउटडेटेड हो चुका है, या इनकी जो परमिट है वो यूपी का नहीं है, तो बहुत सारे तरह के इशू हैं। अभी तक मतलब मैंने लगभग 15-20 बसें पकड़ी हैं, और अब एक भी बस ऐसी नहीं है जिसमें पेपर पूरे हों या जो एज पर नॉर्म्स चल रही हो। एक दो ऊपर हो जाए पैसेंजर, लेकिन यहाँ तो 60-60 पैसेंजर ऊपर हो रहे हैं। तो किस तरह से कार्रवाई की गई है? उनके ऑफिस भी यहाँ पे बनाए गए हैं, वहाँ से कस्टमरों को मैनेज किया जाता है, बैठाला जाता है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अभी तो मैंने इनका चालान करके छोड़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी जो पैसेंजर हैं वो तो उनको कहीं कोई ना कोई उनके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कोई बीमार है, किसी को अर्जेंटली जाना है। लेकिन अभी इसको व्यापक स्तर पे हम यहाँ पे और भी जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करके इससे बड़े स्तर पर चलाई है, परिवहन विभाग वगैरह की मदद से।